बॉक्स तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये भाई, बहुत तगड़ी पैकेजिंग है। हम लोग आ चुके हैं नानी के घर पे और यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता। और तो ये लगा हुआ है हमारा नाश्ता, देखो कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट खा रही है जहीन। और ये घर बना हुआ है बिग बॉस का घर, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं बैठा है, मामा यहाँ लेटे हैं। तो गाइस सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वेलकम टू सीधा लाइव फैमिली ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे हम रोज रोज तैयार होके कहाँ जा रहे हैं, तो आज हम फिर से नानी के घर पे जा रहे हैं, क्योंकि गाइज छोटे वाले जो मामा हैं उन्होंने हमारी दावत करी है, और जब कोई दावत करता है जाना जरूरी होता है, तो उन्होंने दावत करी है, हम वहीं जा रहे हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों को जो मैंने आपसे कल वादा किया था कि मैं आपको अपने सिल्क बैरी की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी, तो वो अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं फिर चलते हैं नानी के घर पे। सो गाइस जैसे कि आप सभी ने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने बताया था कि ये मुझे एक इवेंट में मिला था जो कि गौतम लामा सर ने मुझे दिया था। तो सिल्क बैरी का ये प्रोडक्ट है, अब इसे खोल कर देखते हैं। और एक ये क्रीम है, लोशन टाइप की, आई थिंक ये सनस्क्रीम है, मैंने ठीक से इसके बारे में पढ़ा नहीं है। तो एक ही क्रीम है, आप लोगों को दिखा देती हूँ। आईडी में इनके मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोगों को ये परचेज करनी है तो इनकी आईडी पे जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ये भाई, बहुत तगड़ी पैकेजिंग है। गाइस आप इसका बॉक्स देख सकते हो, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। वाओ, तो इसके अंदर से कुछ इस टाइप से तीन लोशन या जो भी है वो देखते हैं अभी। ये तीन बॉटल्स हैं, तो इसके अंदर एक है ये लवेंडर का, सिल्क बेरी का लवेंडर हैंड एंड बॉडी लोशन। तो ये बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद एक और है सिल्क बेरी का नीम बेसल मिंट क्लियर स्किन एंड फेस वॉश। तो ये फेस वॉश है, तो बहुत अच्छा है, और नीम का है तो जाहिर सी बात है इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। हर्बल के प्रोडक्ट हैं ये। और ये ऑरेंज ऑयल जेल है ये, हाँ जी ये एक जेल है, बाथ शावर एंड जेल। तो एक ये हमें मिला है, तो थैंक यू सो मच गौतम लांबा जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा ये गिफ्ट देने के लिए। और ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, आईडी में इनकी मेंशन कर दूँगी। तो आप लोग इनसे जाकर ये सिल्क बेरी का हर्बल प्रोडक्ट अपने लिए खरीद सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अब नानी के घर पे, देर नहीं करते हैं। मम्मी इसे रख दो। अरे पापा अभी दिखाया मैंने रसगुल्ला थोड़ी आएंगे इस डिब्बे में। अरे मैंने सोचा क्या पता ईद का टाइम चल रहा है, डोडा बर्फी दियो जैसे तेरे चीजा जी लाए थे। अरे भी डोडा बर्फी दे दियो। डोडा बर्फी नहीं है इसके अंदर, अपना कॉस्मेटिक का सामान है, ये सनस्क्रीम है और ये लोशन वगैरह है, हैंड वॉश बॉडी वॉश, लिप लपोतने वाला सामान बता रहे हैं। चलो फिर बहुत देर हो रही है, पापा को मिठाई नजर आई है। हाँ पापा को लगा ईद का टाइम है, किसने मिठाई दे दिएगी। चलो बुला रहा हूँ छोटा वाला साला हमारा, क्योंकि अभी ईद खत्म हुई है, ईद की टर्म आ गई दोस्तों, ईद की टर्म मनाने जा रहे हैं। हमारे ससुराल वाले टट्टर आ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उतर वो बुलाया जा रहा है, फोन फोन आ रहा है, हम जा नहीं रहे। चलो चलो मैं अपना फोन भी ले लूँ, इस तरह संभाल के ठीक है, इसे मैं यूज करूँ किसी को ना दूंगी, अपना फोन ले लेती हूँ। चलो चलो भाई ये छड़ी का रखे, ये रखिया ऊपर। गाइस हम लोग आ चुके हैं नानी के घर पे और यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता। और सब लोगों का शोर कितना ज्यादा बचा रखा है इन सब ने, शोर नहीं, इस शोर को मामी ही शांत करा सकती है और कोई नहीं।
तो ये लगा हुआ है हमारा नाश्ता, पापा बैठे हैं। पापा तुम इसे मत दो, इनको इसका तो घर है, नाश्ता करवा रही है, नाराज हो जाएगी। नहीं इसको मत दो, और इसकी जगह बैठ गया, ये कह रही है पापा मेरी जगह बैठ गए। तेरी जगह ही है, अभी मैं भूपा से बात नहीं करूँ। तुम ले लो ना, खराब हो गया, इससे कोई बात करो, ले लो आप, गुस्सा हो रही है, मुटल लो मेरे कमरे से बाहर निकल, चल को। गाइस हम सब ने नाश्ता कर लिया है और अब पापा सहीन को गेम खिला रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं दोनों। छोटी वाली इधर चल, तुझसे नहीं आता हट। अच्छा बता बीच वाली कौन सी है, बीच वाली कौन सी है, एक पकड़ एक पकड़ कौन सी है, कितना शोर मचा रखा इन्होंने, अबे कितना शोर मचा रही हो, तीन तितलियां बैठी हैं एक साथ। ये पागल है, ये पागल है ना, पागल है नहीं ये, ये दोनों बहनें कर रही हैं अपनी अपनी बातें, पापा यहाँ बैठे हैं। ओ ओए क्या बनाया तुमने, क्या खाना बनाया है, हैं गोभी आलू, गोभी आलू खिला रही है तुम्हें भाई, चार दिन से थक गए दावत कर करके, आज तो चौथी बार कर रहे दावत, अभी आलू पालू खिलाएंगे, कह रही है गोभी आलू खिला रही हूं दावत में, ज़हीन अभी आलू गोभी खिला के डालेंगे सबको, गोभी आलू खा ली ना पूरी तो फिर तो तभी कह रही है गोभी आलू मिले, क्या खिला रही दावत में, कह रही गोभी आलू। अम्मी क्या हो गया, व्यस्त चल रही है बहुत ज्यादा, वो सीरियस मामला चल रहा है, गंभीर विषय में बातचीत चल रही है, यूको रेसिपी सिखा रहेंगे इन्हें, ऐसा बनाइए ऐसा बनाइए ऐसा बनाइए, सिखा ली मम्मी खाला को मेरी रबड़ी की रेसिपी बता रही है, मैं समझ गई, ये सोच रही है कि अपनी बहन को सिखा दो रबड़ी कैसे बनती है। तो गाइस हम पिछले चार दिन से लगातार नानी के घर पे आ रहे हैं, मतलब जब से ईद हुई है ना, जब से, और मैं तो ईद वाला दिन से लेके अभी तक नानी के घर ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा जो नहीं आई, रोज नानी के घर पे आ रही हूँ, एक दिन मामी ने दावत करी, एक दिन नानी ने दावत करी, छोटी वाली मामी ने दावत करी है, और अभी परसों खाला ने दावत करी थी, उसको हम लोगों को बना नहीं पाई थी क्योंकि फैज ने भी कुर्बानी करी थी, तो खाला ने हम सबकी दावत करी थी, तो उस दिन में ब्लॉग नहीं बना पाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो खाला तो बहुत खूबसूरत बकरा, इतना खूबसूरत था दोस्तों, करी थी इस बार कुर्बानी, बहुत ही खूबसूरत बकरा लाया था, ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा बकरा था, ग्रेजुएशन कर रखी थी उसने। तो गाइस नाश्ते के तुरंत बाद हो गई है खाने की तैयारी, अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर उसके बाद करेंगे निकलने की तैयारी, क्यों घर भी जाना है क्योंकि मौसम बड़ा रंगीन संगीन हो रहा है, निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे लग चुका है सबके आगे खाना, इसमें बनाया मामी ने उड़द गोश, और ये है स्टू, पापा के लिए आई है दाल मखनी, प्याज सिरके वाली, पापा प्याज बोल देना सिरके वाली। सो गाइज हम नानी के घर से आ चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मुझे अपने कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आगे की वीडियो जो है मैं कल कंटिन्यू करूँगी, तो मिलते हैं कल, बाय बाय। The next day. Hello guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और guys आज आए हुए हैं हमारे घर पे मेहमान, मतलब मेरा पूरा ननिहाल आया हुआ है, अम्मी ने आज सबकी दावत करी है, इतने दिनों से तो हम अपने नानी के घर जा रहे थे दावत में, मगर आज अम्मी ने सबकी दावत करी है, तो नीचे मेरी दोनों खाला आई हुई हैं, छोटे वाले मामा आ गए हैं, बड़े वाले मामा अभी नहीं आए हैं, तो थोड़ी देर में वो भी आ जाएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, तो पापा गए हुए हैं नाश्ते का सामान लेने के लिए, तो पहले कराते हैं उनका नाश्ता। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा नाश्ता तैयार कर लिया है और अब लेके चलते हैं इसे नीचे। तो गाइस सब लोग बैठे हैं एक साथ और नाश्ता कर रहे हैं।
खुश हो रही है। देखो कोल्ड ड्रिंक में बिस्कुट डुबो के खा रही है ज़हीन। ओए। सो गाइस सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब करते होंगे खाने की तैयारी, क्योंकि खाना मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। आज मैंने बनाया है हलीम और बिरयानी, तो सबकी आज हलीम बिरयानी की दावत करी है हमने, तो अब खाने की तैयारी करते हैं, खाना निकालते हैं। पहले मैं ये बर्तन खाली कर लेती हूँ, जो भी धोने के हैं वो बर्तन धो लेती हूँ, काफ़ी सारे बर्तन पड़े धुलने के लिए, तो पहले इन्हें धोकर फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो खाला मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराती हैं, जब भी आती हैं खाला ही मेरी हेल्प करवाती हैं। तो कहीं बर्तन मुझे धोने थे मगर खाला खड़ी हो गई बर्तन धोने के लिए, कह रही है तो अकेली पड़ गई है, मैं तेरी हेल्प करवा देती हूँ। और ये तो जब भी मुस्कान आती है तब भी मेरी हेल्प करवा देती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारी खाला जब भी हमारे घर पर आती है ना, तो ये चैन से बैठती नहीं है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ काम में लगी जाती हैं, इन्हें पसंद ही नहीं है। इसलिए मैंने खाना पहले ही बना लिया, क्योंकि मुझे पता है जब ये आती है ना तो खाना भी खुद बनाने लगती हैं, तो इसलिए मैंने इनके आने से पहले खाना बना लिया था। मगर अभी ये खाना खिलवाने में और नाश्ता लगवाने में बर्तन में धोने खड़ी हो गई हैं, सब चीज़ें मेरी हेल्प कराती हैं। अम्मी भी कूलर में पानी भर रही है, क्योंकि खाना अम्मी कह रही है इसी वाले फ्लोर पर खिलवा देंगे सबको, तो अम्मी पानी भर रही है कूलर में। तो गाइस हम नाश्ते के बाद खाने की तैयारी कर रहे थे, मगर मामा ने मना कर दिया कि अभी हमें नहीं खाना है, क्योंकि अभी तो सिर्फ और सिर्फ 7:30 बजे हैं। तो मामा कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुक कर हम लोग खाना खाएंगे, तो कोई बात नहीं, चलते हैं नीचे उनके पास बैठने के लिए, बातें करते हैं, जब वो लोग कहेंगे तब उनके खाने की तैयारी करेंगे। तो चलते हैं नीचे। ये घर बना हुआ है बिग बॉस का घर, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं बैठा है, मामा यहाँ लेटे हैं, सब लोग बाहर बैठे हैं, बस एक ज़हीनी एक्टिव नज़र आ रही है। तो गाइस सब लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, चम्मच नहीं खा रहे। तो गाइस मामा मामी जा रहे हैं अपने घर, पप्पू मामा सारा भांडा फोड़ने में बैठे हैं। तो क्या हुआ, हम भी जैसी बात कराते हैं, हम भी बात दे रहे हैं। अभी जा रहे हैं खालू बाय, खालू ने बुरखा पहन लिया है। सो गाइस सब लोग जा चुके हैं अपने अपने घर, और अब मैं कर लेती हूँ अपने फ्लोर की साफ सफाई, बर्तन भी धोने हैं, अम्मी नीचे वाले फ्लोर की सफाई कर रही है, मुझे यहाँ की सफाई करनी है। सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, और मैंने बहुत बड़े भगोने के अंदर हलीम बिरयानी बनाई थी, मतलब हलीम बनाया था, दूसरे भगोने के अंदर बिरयानी बनाई थी, कबाब बनाए थे, भिंडी बनाई थी, रोटी बनाई थी, सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से खाना वाना खाया और सब लोग अपने घर जा चुके हैं। तो आज की वीडियो कर लेती हूँ मैं यहीं पे एंड, और आप लोग सोच रहे होंगे ज़्यादा आपको ब्लॉग में नहीं दिखा पाई हूँ, तो गाइस मुस्कान नहीं है और मैं अकेले ब्लॉग्स बनाती हूँ, सबके खातिर नवाजी भी करनी थी, और क्या कहते हैं फिर कोई दूसरा ऐसा है भी नहीं जो मेरा कैमरा पकड़ ले, तो एक साथ सारे काम नहीं कर पाऊँगी, आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।